हेलो फ्रेंड्स, लीगल इन्फो बाय विकास यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो स्पेशली मध्य प्रदेश के कपल के लिए। अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो कोर्ट मैरिज के लिए कितना समय लगता है, कितनी फीस होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, इस वीडियो में आपको इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी। दोस्तों, सबसे पहले एज की बात करें तो कोर्ट मैच करने के लिए लड़कियों की 18 और लड़कों की 21 साल ही है। इसको 2024 में बढ़ाया नहीं गया है। काफ़ी समय से यह र्यूमर्स चल रहा है हमारे पास, हमारे सब्सक्राइबर हमें फ़ोन कॉल के माध्यम से कॉल करके पूछते कि सर लड़की की एज 24 हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना ही 21 हुई है, ना ही 24 हुई है। लड़कियों की एज ऑल ओवर इंडिया अरेंज मैरिज या लव मैरिज कैसी भी मैरिज करने की एज अभी 18 साल ही है, और लड़कों की एज पहले से मैरिज करने के लिए 21 साल गवर्नमेंट ने की हुई थी। अब डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो कोर्ट मैरिज करने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट को मैंडेटरी नहीं किया गया है। एज और एड्रेस से रिलेटेड एक एक सिंगल आईडी एड्रेस प्रूफ आप लोगों के पास होना चाहिए। एज की बात करें तो बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड और 10th क्लास सर्टिफिकेट, इन तीनों डॉक्यूमेंट में से कोई एक सिंगल डॉक्यूमेंट आपके पास है तो विल बी सफिशियंट फॉर एज प्रूफ। एड्रेस प्रूफ की बात करें तो आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, डीएल, डोमेसाइल, पासपोर्ट, इन पांच डॉक्यूमेंट में से एक सिंगल आईडी आपके पास है तो वह आपके एड्रेस प्रूफ के लिए काम करेगी। और सबसे अहम दोस्तों, अगर इंटर रिलीजन मैरिज है यानी हिंदू मुस्लिम मैरिज को लेकर के मध्य प्रदेश में फिलहाल बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन से कोई कह रहा है कि कन्वर्जन हो ही नहीं रहे हैं या बिना नोटिस के मैरिज करा ही नहीं सकते, देखिएगा यह बात अपने आप में सही है। अगर फैमिली एग्री है तो आप डीएम ऑफिस में परमिशन लेकर के अपनी इजली मैरिज करा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपकी फैमिली आपकी मैरिज के अगेंस्ट है, फैमिली आपकी मैरिज के लिए एग्री नहीं है, तो फिर आपकी मैरिज इजली मध्य प्रदेश में नहीं हो सकती। बट इसका मतलब यह नहीं कि आप मैरिज ही नहीं कर सकते हैं। आप अदर स्टेट पर जहाँ पर हिंदू मुस्लिम मैरिज पर इस तरीके के रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, उन स्टेट्स में जाकर के अपनी मैरिज करा सकते हैं, जैसे कि दिल्ली, देहरादून, बॉम्बे वगैरह। जी हाँ, इन सिटीज में अभी भी बिना नोटिस के, बिना फैमिली के वन डे में शादी और कोर्ट में रजिस्ट्रेशन हो जाता है, और कोर्ट से आपको एक लीगल कोर्ट में सर्टिफिकेट भी मिल जाता है जिसके व्यापार पर आप दोनों लीगली हस्बैंड वाइफ हो जाते हैं। दूसरा, इंटरकास्ट। अगर इंटरकास्ट मैरिज की बात करें तो इंटरकास्ट मैरिज में घर पर कोई नोटिस नहीं जाता और ना ही तो इसमें फैमिली की विटनेस को मैंडेटरी किया गया है। बस इंटरकास्ट मैरिज में प्रॉब्लम यह है कि इस प्रोसीजर में, यह काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसीजर मध्य प्रदेश के अंदर कोर्ट मैरिज करने के लिए, इसमें 30-90 डेज का समय लगता है। तो दोस्तों, विल बी बेटर अगर आप इंटरकास्ट हैं या इंटर रिलीजन है विदाउट फैमिली के कंसेंट के मैरिज कराना चाहते हैं तो विल बी बेटर कि आप अपना मैरिज दिल्ली में ही कराएं, क्योंकि दिल्ली में बिना एड्रेस चेंज कराए, बिना नेम चेंज कराए, बिना नोटिस के, बिना फैमिली के इजली लव मैरिज हो जाती है। जी हाँ, फॉर्मेलिटी वही है जो फुलफिल करनी होगी, जो कि मैंडेटरी है। एज और एड्रेस प्रूफ होने चाहिए। पहले से दोनों में से किसी की शादी ना हो रखी हो, अगर शादी हुई थी तो तलाक हो रखा हो, और जो कपल है आपस में सपिंडा यानी ब्लड रिलेशन में न आता हो। दोस्तों, कोर्ट मैरिज करने के लिए कैसे अप्लाई करें, क्या फीस रहेगी, या इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर मंडे टू संडे यानी 7 दिन सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे के बीच कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।